तो हेलो ब्रो, जरून कैसे हो आपका? स्वागत है मेरे चैनल के लिए। और ब्रो मैं तो हम आ चुके हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं डीजे आलोक वर्सेस जोटा कैरेक्टर। यानी आज हम लोग जानेंगे कि इन दो कैरेक्टर में से सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन होगा, ठीक है? क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको कमेंट किया था कि आप जो है डीजे आलोक वर्सेस जोटा कैरेक्टर करो और आप हमको बताओ कि इन दो में से सबसे बेस्ट कौन है। तो आज का जो वीडियो है उसी सब्सक्राइबर के ऊपर में है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहना चाहते हो कुछ, यानी किसी टॉपिक के बारे में, यानी कोई कंटेंट के बारे में बताना चाहते हो जिसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप आराम से जो है कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, उसी के रिगार्डिंग मैं जो है वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फिर बिना कोई लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट एक मस्त इंट्रो के साथ। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डीजे आलोक के एबिलिटी के बारे में। तो मैं बता दूं, इसका जो स्किल होता है एक्टिव स्किल होता है, यानी इसके साथ आप कोई दूसरा एक्टिव स्किल यूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे वो के हो या फिर क्रोनो टाइप का कोई भी कैरेक्टर, ठीक है? अब तो हो गया इसका स्किल, अब हम लोग बात करते हैं इसका मेन एबिलिटी के बारे में। तो जब भी आप इसको लेवल मैक्स करते हो, ठीक है, हम लोग लेवल वन का नहीं बात करते हैं, हम लोग मैक्स लेवल का बात करते हैं, सिक्स लेवल का, ठीक है? तो जब भी आप इसको सिक्स लेवल करते हो तो आपको जो है यहाँ देखने को मिल जाए कि जब भी आप इसको यूज़ करते हो, मैंने तो आपको बता दिया एक्टिव स्किल होता है, यानी इसको आपको जो क्लिक करना पड़ता है, तो जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो आपके सामने जो अभी लॉबी में शो हो रहा होगा, ठीक है, अभी आपको शो होगा एक जो है ओरा टाइप का बनता है और वो जो है 5 मीटर के रेडियस में फैलता है, यानी 5 मीटर के आसपास, जैसे आप ये देख रहे हो वो जो है 5 मीटर के आसपास फैलेगा, जिससे जो है आपका उस टाइम मोमेंट स्पीड जो है 15% बढ़ जाता है। साथ ही 5-5 HP करके आपको मिलता है 10 सेकंड के लिए, यानी हम लोग अगर बात करें टोटल तो आपको जो है 50 HP यहाँ से मिल जाता है। और इसका अगर बात करें कूलडाउन टाइम का, तो इसका जो कूलडाउन टाइम है आपको 45 सेकंड से लेके शायद 50 सेकंड तक मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही इसका जो कूलडाउन टाइम है ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हो गया आपको आलोक का एबिलिटी हो गया, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं जोटा कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में, ठीक है? तो इसका जो स्किल होता है पैसिव स्किल होता है, यानी इसके साथ आप और दो पैसिव स्किल यूज़ कर सकते हो, साथ ही जो है एक एक्टिव स्किल भी इसके साथ यूज़ कर सकते हो। साथ ही बात करें इसका मेन जो एबिलिटी है वो ये होता है कि जब भी आप SMG गन या फिर शॉर्ट गन से किल करते हो एनिमी को, तो आपका जो HP है वो 40 HP तक बढ़ जाता है। यानी जब भी आप इसको मैक्स लेवल करते हो 6th लेवल का, तो आपका जो HP है वो 40 HP आपको मिलेगा पर किल पे, अगर आप SMG गन या फिर शॉर्ट गन से किसी को किल करते हो, ठीक है? जैसे आप मान लो किल कर दिए, फिर जो है 5 सेकंड बाद आप दूसरा अगर किल करते हो तभी आपको फिर यहाँ आपको 40 HP मिलता है, यानी 5 सेकंड के बाद आपको किल करना हुआ। आप अगर 5 सेकंड से पहले किल करते हो तो फिर आपका जो है HP नहीं बढ़ेगा। यानी अगर हम लोग बात करें इसका कूलडाउन टाइम का, तो इसका जो कूलडाउन टाइम होता है वो जो है आपको 5 सेकंड मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, ठीक है? यानी जोटा कैरेक्टर में। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि इन दो कैरेक्टर में से सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन रहेगा, जिसे आप जो है गेम के अंदर ले जाके खेल सकती हो, आलोक रहेगा या फिर जोटा कैरेक्टर। तो मेरा अगर मानोगे आप तो आप जो है आलोक लेके खेल सकते हो, ठीक है? आलोक क्या हो गया, एक्टिव स्किल हो गया, और जोटा जो है वो पैसिव स्किल हो गया। अगर इन दो कैरेक्टर का कंपेरिजन होता है तो मैं बोलूँगा आप जो है आलोक को लेके खेल सकते हो, ठीक है? आप अगर आलोक को यूज़ करते हो तो ये जो है आपको जो है बिना कोई किल का 50 HP देते रखता है, हर 40 से लेके 45 सेकंड के बीच में देते रहता है, ठीक है? आपको इसमें किल भी नहीं करना पड़ता, फिर भी आपको जो है इसमें HP मिलते रहता है। लेकिन जोटा कैरेक्टर में क्या होता है कि आपको उसके लिए किल करना पड़ेगा तभी जो है आपको HP मिलेगा, ठीक है? सब्सक्राइबर हमको बोला था कि आप जो है इन दो में कंपेरिजन करो कौन सबसे बेस्ट रहेगा। तो मेरा मानना है कि आप जो है आलोक को लेके खेल सकते हो, वही जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं फाइनली एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों को अगेंस्ट नहीं, यानी दोनों का वर्सेस ना करो, आप अगर इन दोनों को साथ में लेके खेलो, यानी आलोक तो आपको हो गया एक्टिव स्किल, साथ ही आप जोटा कैरेक्टर को लेके भी खेलते हो ना, तो आपका जो दोनों के HP का कॉम्बिनेशन बैठेगा काफ़ी अच्छा बैठेगा। और रिजल्ट का अगर बात करें तो दोनों का जो रिजल्ट है काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको दोनों साइड से तो HP मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि आप जो है दोनों लेके खेलो साथ में कॉम्बिनेशन करके, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, ठीक है? सो आज का वीडियो था इसी टॉपिक पे था, यानी इन दो कैरेक्टर के बारे में समझाना और कौन बेस्ट रहेगा और दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में।
सो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से जो है आपने काफी कुछ सीख लिया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल में नए हो तो मुझे देखना एक रेड कलर का ऑप्शन होगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बगल में जो है एक घंटा को उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। ऐसे करने से क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और जो है क्लियर फ्लो फैमिली का एक जो है हिस्सा बन जाओ। तो आज के लिए वीडियो में इतना, मिलते कोई और मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। We'll be right back.